राइट right? तो ये जो गुड्स थे इनको अवेलेबल किसने कराया होलसेलर ने कराया रिटेलर के पास में तो स्टॉक ही नहीं था उसके पास में कितने गुड्स थे टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी गुड्स होंगे मैक्सिमम तो जब उसको गुड्स की शॉर्टेज हुई तो ये गुड्स अवेलेबल किसने कराए होलसेलर ने कराए तो फर्स्ट सर्विस क्या होती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नेक्स्ट ग्रांट ऑफ क्रेडिट भाई रिटेलर बहुत छोटा सा ट्रेडर होता है दस बीस पचास यूनिट सेल करता है तो होलसेलर क्या करता है रिटेलर्स को क्रेडिट पे सेल करता है दैट मीन्स आप अभी गुड्स ले लो मुझे एक महीने बाद पैसे दे देना तो क्या हुआ इससे रिटेलर में भी हिम्मत हो गई बिजनेस करने की ठीक है रिटेलर के पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे आप अगर अपने घर के आसपास देखोगे जो ग्रॉसरी शॉप्स होते हैं जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं छोटे छोटे दे आर वेरी स्मॉल इन साइज लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनके पास में तो दे डू नॉट हैव लार्ज कैपिटल टू इन्वेस्ट तो ऐसे लोगों को कौन हेल्प करता है होलसेलर हेल्प करता है कैसे हेल्प करता है क्रेडिट पे गुड्स देके कि आपके जब गुड्स बिके तब दे देना नहीं तो एक महीने बाद पैसे दे देना दो महीने बाद पैसे दे देना ठीक है तो दिस इज अगेन ग्रांट ऑफ क्रेडिट अनदर सर्विस दैट अ होलसेलर प्रोवाइड्स टू अ रिटेलर नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग रिस्क किसने शेयर किया आप एक बात बताओ क्रेडिट पे गुड्स लिए ठीक है थीके? अब अगर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाते हैं ये रिस्क कौन बेयर करता है होलसेलर बेयर करता है अगर वो जो गुड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं खराब निकलते हैं तो ऐसे गुड्स कौन वापस रिप्लेस करके देता है होलसेलर कर करके देता है लेट्स से कोई कंज्यूमर आया कंप्लेन के साथ में रिटेलर को वो तू वापस ले ले गुड्स मेरे को नहीं पसंद आए रिटेलर किसको वापस देगा होलसेलर को वापस देगा तो सारे के सारे रिस्क किसने शेयर किए रिटेलर के हमारे होलसेलर ने नेक्स्ट होता है स्पेशलाइज नॉलेज अब देखो होलसेलर जो होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ में डील करता है तो मैन्युफैक्चरर क्या क्या नए प्रोडक्ट्स बना रहा है या क्या क्या नए प्रोडक्ट्स के साथ में आने वाला है ये कौन बताता है रिटेलर को होलसेलर बताता है होलसेलर बताएगा रिटेलर को रिटेलर बताएगा कंज्यूमर को तो अल्टीमेटली क्या हुई सेल्स इंक्रीज हो गई सिंपल लॉजिक नेक्स्ट होता है मार्केटिंग मार्केटिंग सपोर्ट सपोर्ट कैसे हमने पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा द सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर की सेल्स टीम कौन अपॉइंट करता है होलसेलर अपॉइंट करता है पब्लिसिटी कौन करता है होलसेलर करता है तो अगेन मार्केटिंग सपोर्ट किसको मिला हमारे रिटेलर को भी मिला कैसे मिला होलसेलर ने अलग अलग पैम्पलेट्स छपा दिए ठीक है अलग अलग बैनर लगा दिए न्यूज़पेपर में एड दे दिया प्रोडक्ट के बारे में ठीक है वो गुड्स खरीदेंगे किससे जो कंज्यूमर्स होंगे वो किससे गुड्स खरीदेंगे रिटेलर से खरीदेंगे खरी ना एडवर्टाइज किसने करी थी होलसेलर ने करी थी फ़ायदा किसका हुआ रिटेलर का हुआ तो अब आप पूछोगे सर तो फिर होलसेलर इतना खर्चा क्यों करता है अरे तो रिटेलर किससे खरीदेगा अगर रिटेलर के गुड्स खत्म हो जाएंगे तो वो तो होलसेलर से ही खरीदेगा इट्स सो ऑब्वियस ठीक है नेक्स्ट होता है हमारा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग होता है जब कोई भी इंसान लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है या फिर लार्ज स्केल परचेज करता है तो उसको हैवी डिस्काउंट मिलता है ठीक है ये डिस्काउंट किसको मिलता है एक्चुअली लार्ज स्केल में परचेज कौन कर रहा है रिटेलर कर रहा है कि होल कर रहा है होल कर रहा है बल्क में कौन खरीदता है होल खरीदता है ठीक है तो होल ने बल्क में खरीदा और उसको हैवी डिस्काउंट मिला लेकिन होलसेलर क्या करता है अपना ये डिस्काउंट रिटेलर के साथ में शेयर करता है मैंने आपको पहले भी बताया होलसेलर का जो मार्जिन होता है वो जनरली कम होता है तो क्या किया होलसेलर ने लेट से फोर रुपीज में होलसेलर ने खरीदा अब वो चाहता तो एट रुपीज में भी सेल कर सकता था रिटेलर को नाइन रुपीज में भी सेल कर सकता था बट नहीं होलसेलर ने क्या किया सिक्स रुपीज में सेल कर दिया टू द रिटेलर और रिटेलर आगे कितने में सेल करता है उसको इन टेन रुपीज तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक्चुअल बेनिफिट मिलता है होलसेलर का बट होलसेलर वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो हैवी डिस्काउंट होता है जो बेनिफिट होता है वो शेयर करता है विद द रिटेलर तो दीज व सर्विस होलसेलर प्रोवाइड्स टू अ मैन्युफैक्चर एंड द रिटेलर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिटेल ट्रेड